हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासरूम प्रेजेंट जजमेंट टू योर स्टडी टेबल। आ गए हम अपना सेकेंड एपिसोड लेके, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया, लाइक किया और अपने सजेशंस भी दिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूँगा कि लॉ क्लासरूम दो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक मंथली वीडियो सीरीज़ और एक वीकली वीडियो सीरीज़। मंथली वीडियो सीरीज़ का पहला एपिसोड अगस्त में 2020 के जजमेंट्स हमने आप तक पहुँचा दिए। फिर भी आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और सितंबर मंथ 2020 के जजमेंट्स हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी सीरीज़ है वीकली सीरीज़, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर मंडे एक वीडियो डालें जो कि डील करेगा लास्ट वीक के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स और प्रोसीडिंग्स, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहे लॉ क्लासरूम के साथ ऐसे ही, और अपने आप को लीगली अपडेट रखें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मेक लॉ अंडरस्टैंडेबल टू लेमैन, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स डायरेक्शन टू ड्राफ्ट स्टैट्यूट्स रूल्स नोटिफिकेशन इन प्लेन लैंग्वेज। डॉक्टर सुभाष विरजन ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगाई और मांग की कि जितने भी स्टैट्यूट्स रूल्स नोटिफिकेशंस होते हैं उनको प्लेन लैंग्वेज, एक सरल भाषा में जारी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की जो प्लीडिंग की पेज लिमिट होती है और पार्टीज़ को जो समय दिया जाता है ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए, उसका भी एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि जो LLB स्टूडेंट्स की एक सब्जेक्ट होता है लीगल लैंग्वेज, उसको भी एक प्लेन लैंग्वेज और सरल भाषा में कंडक्ट किया जाए। इन मांगों के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि लॉ और विधि को एक आम आदमी भी समझ सके। कहीं ना कहीं हमारे लॉ क्लासरूम का भी यही उद्देश्य है कि हम जजमेंट्स, लॉज, लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट के साथ साथ एक आम आदमी तक भी पहुँचा सकें, क्योंकि हम सभी एक लॉ से बंधे हुए हैं और उस लॉ का नॉलेज हम सभी को होना चाहिए। इफ़ ईच एंड एवरी डिवोटी इज अलाउड टू इंस्टीट्यूट सूट, इट वुड ज्यूप्रडाइज द जुडिशियल सिस्टम। मथुरा सिविल कोर्ट में एक सूट लगाया गया जिसमें ये मांग की गई कि एक ईदगाह मस्जिद को उसकी जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि वो कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण भगवान की बर्थ प्लेस के ऊपर बनाया गया है। कहीं ना कहीं केस हमें बाबरी मस्जिद केस जैसा सेम लग रहा है। पर इस केस में प्लेंटिफ ने ये एलिगेशन लगाया कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो उस एरिया के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ट्रस्ट ने एक इलीगल एग्रीमेंट साइन किया है वहाँ के वक्फ बोर्ड के साथ, जिसके ज़रिए से वो ईदगाह की प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने वक्फ बोर्ड को दी है। पर जब प्लेंटिफ को सूट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सुना गया तो उन्होंने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए ये कहा कि जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, डिवोटीज़ होते हैं, उनके पास भी सूट इंस्टीट्यूट करने का अधिकार होता है। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसको कोर्ट तक पहुंचाने का अधिकार सिर्फ उसके ट्रस्टीज़ के पास होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक भगवान के करोड़ों भक्त होते हैं, और अगर हर डिवोटी, हर भक्त को हम राइट दे देंगे कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने का, तो कोर्ट्स में इतने ज़्यादा सूट्स लगेंगे, इतने ज़्यादा केसेस लगेंगे कि हमारा कोर्ट जुडिशरी कोलैप्स हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल डिक्लाइंड कंसेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह फॉर हिज टू ट्वीट्स। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर दो ट्वीट्स डाले जिसके ज़रिए से उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कुछ सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कोर्ट्स का भी जिक्र किया। सो सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बताता है। ये पावर यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का संज्ञान या कॉग्निजेंस ले सकता है, जिसका प्रस्ताव अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ने दिया हो। इसी प्रस्ताव को प्राप्त करने के लिए एडवोकेट सुमन सुधान ने अटॉर्नी जनरल से परमिशन मांगी, जिसे देने से अटॉर्नी जनरल ने इनकार कर दिया। जुडिशियल ऑफिसर्स एडवोकेट मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन पीनल एक्शन अगेंस्ट अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेप लॉज। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर हम सबको पता चला कि यूपी हथराज में एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल का गैंग रेप किया गया और एक बहुत ही मिजरेबल हालत में उनकी डेथ कॉज कर दी गई। उसके बाद यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने हथराज गाँव को सील कर दिया बैरीगेट से, विक्टिम की फैमिली को कस्टडी में ले लिया और शॉकिंगली विक्टिम की बॉडी का रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में दो PII लगाई गई, जिसमें एक बहुत ही अच्छी बात और मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से कि अगर विक्टिम की बॉडी से कोई भी प्रकार का एविडेंस, साक्ष्य मिल सकता था जो कि यूपी
एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की पावर यूज़ करके ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक्शन लेगा? इसी केस से रिलेटेड विक्टिम की फैमिली ने हेबेस कॉर्पस की रिट लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसका रीज़न इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये दिया कि इस केस की सुनवाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में सही तरीके से ऑर्डर देने के लिए सक्षम है। इसी केस में केरला के जर्नलिस्ट थे जो हथरास गांव में रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उनकी भी अरेस्ट कर ली गई, जिसके अगेंस्ट केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक बॉडी है जिन्होंने एक हेबेस कॉर्पस की रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाई। इस केस में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 2013 के बाद इंडियन पीनल कोड में सेक्सुअल ऑफेंस जितने भी हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई या उसकी पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, पर जब अक्यूज्ड को सज़ा देने का जो प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा तो इतनी सख्त पनिशमेंट का क्या मतलब? इस केस में आप सबका क्या पर्सनल ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर हैंगिंग ऑन हेड्स ऑफ पीपल, सेंटर मस्ट टेक फाइनल कॉल। क्या आप सबको पता है कि हमारे देश में से कितने क्रिमिनल केसेस हैं जो ऐसे लोगों के अगेंस्ट पेंडिंग है जो या तो फॉर्मर या प्रेजेंट MLAs या MP है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा के सदस्य या संसद के सदस्य। यस, 4,442 केसेस ऐसे लोगों के अगेंस्ट पेंडिंग है। शॉकिंग बात यह है कि 2,556 ऐसे लोगों के अगेंस्ट पेंडिंग है जो अभी प्रेजेंट में MLA या MP हैं। ऐसे केसेस ज़्यादा हमारे कंट्री में बढ़ने का रीज़न सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पुलिस सही तरीके से लॉज को ऐसे लोगों के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पावर में बैठे हुए हैं। इन्हीं केसेस को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये आदेश दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि जल्द से जल्द ऐसे केसेस की डिटेल्स और हमारे देश में ऐसे कितने स्पेशल कोर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये जान सके कि दिन ब दिन हमारे देश में ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी क्यों बढ़ती जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट फाइंड्स यतीन ओझा गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यतीन ओझा, जो कि गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए। एक फेसबुक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट पे करप्शन के एलिगेशंस लगाए और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ये डिपार्टमेंट स्मगलर्स को सपोर्ट करता है, उनको फेवर करता है। इसी केस की सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने यतीन ओझा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी पाया। पब्लिक प्लेसेस कैनॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट इन शाहीन बाग प्रोटेस्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि शाहीन बाग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट चल रहा था। सेम प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स ने वहाँ की रोड्स को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का राइट टू फ्री मूवमेंट वॉयलेट हो गया था। सो गाइज, आप सबको क्या लगता है कि हमारे लिए राइट टू प्रोटेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए राइट टू फ्री मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? इस चीज़ को आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों राइट्स के डिस्प्यूट को बैलेंस करते हुए ये हेल्ड किया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसमें लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने ओपिनियन, अपनी बातों को खुल के लोगों के सामने कह सकते हैं, बोल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट की आड़ में दूसरी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर दें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रोटेस्ट का तरीका, जो प्रोटेस्ट का मैनर कॉलोनियल रूल, जिसका मतलब ब्रिटिश शासन में प्रोटेस्टर्स ने अपनाया था, वो आप अभी के समय डेमोक्रेसी में नहीं अपना सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे गवर्नमेंट को राइट टू प्रोटेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्ट्रांग बने। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अगर प्रोटेस्टर्स को कभी भी लगेगा वो अपनी राइट टू प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करके कोई भी पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, पर प्रोटेस्टर्स को एक डेजिग्नेटेड प्लेस दी जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए और उस एरिया में वो फ्रीली अपने ओपिनियन, अपनी बातें और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेयर इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट इन सिलेक्शन लिस्ट डज नॉट कन्फर्स अपॉन देम अ वेस्टेड राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। इस प्रेजेंट केस में पिटिशनर ने एक सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लिया जो कि एक पुलिस कांस्टेबल के अपॉइंटमेंट भर्ती के लिए था, जिसमें एक रिजल्ट अनाउंस किया गया जिसमें ये डिक्लेयर करा गया कि पिटिशनर सिलेक्ट हो चुके हैं। पर कुछ समय बाद रिजल्ट को रिवाइज करते हुए
उनको पिटिशनर को सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसके अगेंस्ट पिटिशनर ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक प्ली लगाई जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर हाईकोर्ट, जब हाईकोर्ट में एक अपील लगाई गई इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट, तो हाईकोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर पास कर दिया। पर जब सिलेक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह हेल्ड किया कि भले ही कैंडिडेट का नाम सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया हो, सिर्फ ये सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने की वजह से किसी भी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं मिल जाता। उसे बाकी भी अपॉइंटमेंट के जितने भी प्रोसीजर होते हैं, जितने भी असेंशियल टर्म्स होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। ऑल NDPS ऑफेंसेस आर नॉन वैलेबल रिगार्डलेस ऑफ कॉन्ट्राबैंड क्वांटिटी। जैसे कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में एक नया एस्पेक्ट हम सबके सामने आया है, ड्रग डीलिंग का, जिसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का भी नाम आया था। पर इस प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बेल देते हुए ये हेल्ड किया कि जितने भी ऑफेंसेस NDPS एक्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि नारकोटिक्स और ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस है वो नॉन अवेलेबल होते हैं। इसका रीज़न बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये दिया कि सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट हमें बताता है कि जितने भी ऑफेंसेस NDPS एक्ट में दिए गए हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, और अक्यूज इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि उसके पास कॉन्ट्राबैंड क्वांटिटी में ड्रग्स थे, जिसे हम हिंदी में समझ सकते हैं कि उनके पास सिर्फ कुछ मात्रा में ड्रग्स था। ऐसे डिफेंसेस अक्यूज बेल पाने के लिए नहीं ले सकते। अक्यूज्ड वॉज जुवेनाइल एट टाइम ऑफ ऑकरेंस, सुप्रीम कोर्ट कॉशेस लाइफ सेंटेंस इन 4 डेकेड ओल्ड मर्डर केस। इस प्रेजेंट केस में 1981 में 3 अक्यूज्ड के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने एक विमला सरन का मर्डर किया है। कोर्ट की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उन तीनों को गिल्टी पाया और तीनों के अगेंस्ट लाइफ सेंटेंस की पनिशमेंट पास कर दी। पर इसमें से एक अक्यूज जिनका नाम सत्यदेव था, उन्होंने एक प्ली ली कि जब उन्होंने ऑफेंस कमिट किया तो वो एक जुवेनाइल थे। इस केस में जुवेनाइलिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी पास करी और ये ऑर्डर दिए कि पता लगाया जाए कि सत्यदेव जब उन्होंने ऑफेंस कमिट किया था तो वो कितने साल के थे। तो हमें ये पता चला रिपोर्ट के द्वारा कि वो 16 ईयर्स ओल्ड के थे जब उन्होंने ऑफेंस कमिट किया। तो दो ऐसे एक्ट हैं जो जुवेनाइलिटी को डिफाइन करते हैं, एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। 1986 का एक्ट हमें बताता है कि अगर कोई बॉय 16 ईयर्स की एज से कम का है और कोई अगर गर्ल है तो वो 18 ईयर्स एज से कम की हो तो हम उन्हें जुवेनाइल कहेंगे। पर 2000 का एक्ट हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स एज से कम का हो तो हम उसे जुवेनाइल कहेंगे। इसमें कोई भी प्रकार का बॉय और गर्ल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में ये हेल्ड किया कि जब भी जुवेनाइलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठेगा तो हम 2000 एक्ट में दिए गए डेफिनेशन को मानेंगे, ना कि 1986 की डेफिनेशन को। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सत्यदेव के अगेंस्ट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा पास की गई थी उसको कॉश कर दिया।